हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो इस वीडियो में मैं बनाने जा रही हूँ पनीर की रेसिपी। तो चलो देखते हैं क्या क्या यूज़ होते हैं इस रेसिपी में। सबसे पहले मैं टमाटर लेती हूँ, प्याज लेती हूँ, धनिया लेती हूँ, लहसुन लेती हूँ। तो इनको सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लिया है मैंने, इसमें मैंने टमाटो को बीच में काटा हुआ है, ताकि बीच में इसलिए काटा है ताकि कोई कीड़ा वगैरह ना हो तो अच्छे से इसको देख सके। और प्याज भी मैंने इसमें डाला, कम ऑयल में, ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और ये लहसुन जो भी है आपके पास और धनिया, वो सब मैं इसमें डालूँगी। थोड़ा 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 शैलो फ्राई करते हैं, इसको हिलाते रहते हैं, थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे। पनीर की वैसे बहुत सारी वेराइटीज़ बनती हैं, तो हम सब वेराइटीज़ ट्राई करेंगे बनाने के लिए। आज टमाटर के साथ इस पनीर की वेराइटी को बनाने की कोशिश करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ प्लीज़ ना सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो सब्सक्राइब होगा, आपका सपोर्ट मिलेगा, तभी तो थोड़ा चैनल ग्रो करेगा। तो ये सब मैंने इसमें शैलो फ्राई किया, तो फिर इसको एक प्लेट में डाल दिया। इसको प्लेट में डालने के बाद मैं इसको मैश करूँगी। ये सब टमाटर, प्याज, धनिया, लहसुन, ये सब इसमें डालकर मैं इसको अच्छे से मैश करूँगी। मैश करने के बाद मैंने ये थोड़ी मलाई है, ये घर की मलाई ली है। घर में जो ये दूध की मलाई है वही इसमें थोड़ा ऐड करूँगी। तो इसको अच्छे से मैश करके, इसको अच्छे से थोड़ा मैश करके, तो आप देख रही हो मैश कैसे हुआ है। इसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, धनिया और थोड़ा सा मलाई है। और जो ये पनीर ली है, ये पनीर होममेड पनीर है, ये घर में बनाई है पनीर। तो इसकी रेसिपी भी मैं आपको बता देती हूँ, तो ये कैसे बनाई जाती है। तो मैंने इसमें कड़ी पत्ता डाला है, ऑयल में थोड़ा ज़ीरा, कड़ी पत्ता और जो ये मैश किया हुआ है वो सब इसमें डाल दिया। तो इसको भी अच्छे से अब शैलो फ्राई करेंगे। शैलो फ्राई मतलब कम फ्लेम पे रख देंगे, और ऊपर से आप इसमें जो भी ढक्कन वगैरह कुछ भी हो वो रख दीजिए। तो इसके बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया, ये थोड़ा पक जाएगा। अब दूसरी बात आई, इस रेसिपी में मैं मैगी मसाला ऐड करूँगी। कसम से अगर मुझे मैगी कंपनी वाले जो है वो मुझे बोलेंगे इसका प्रमोशन करने के लिए, मैं तो बहुत ही खुश होंगी अगर इसका प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि ये मतलब इसका फ्लेवर ही कुछ अलग ही आता है और रेट पे इसका सस्ता ही होता है, और नो डाउट मतलब अच्छा फ्लेवर होता है, अच्छा ब्रांड। तो अब इसमें मैं मिर्ची, लाल मिर्च पाउडर ऐड करूँगी, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड की है, हल्दी थोड़ा सा ऐड की है और सौंफ थोड़ा सा ऐड किया। तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया होगा, आप देख रहे हो इसको मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और जो मैं अभी तक मैगी मसाला का ज्ञान दे रही थी, तो वो मैं अब इसमें ऐड करूँगी। तो इसमें ज़ीरा डाला है जो कि भुन के है, और जो पनीर मैंने थोड़ा सा फ्राई किया हुआ है इसमें ऐड कर देते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करके, इसमें आप पानी ऐड करेंगे, ताकि जो ये मसाला है ये अच्छे से इसके अंदर चला जाए। जो मसाला है इसके अंदर, जो भी मैंने इसमें मसाला ऐड किया वो अच्छे से इस पनीर में भी चला जाए, और जो इसकी करी थोड़ी सी बनेगी उसमें भी एक फ्लेवर आ जाए। तो ये देखिए, ये रेडी हो गया है पनीर की रेसिपी। इसको मैंने मतलब पानी डाल के ढक्कन रख दिया था, ये कुक हो गया था 10-15 मिनट। तो ये पनीर की रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी प्लीज़ थोड़ा सा भी अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना।